Sums number 9. From the following balance sheet of A Limited and its subsidiary B Limited, यानी A Limited होल्डिंग कंपनी है और B Limited उसका सब्सिडरी कंपनी है. Drawn up at 31st March, underline करो 31st March का दिया हुआ है. Prepare a consolidated balance sheet as at that date. आपको consolidated balance sheet 31st March का बोल रहा है बनाने के लिए. At the date of acquisition, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, अंडरलाइन करो. एट द डेट ऑफ एक्वाइजेशन मतलब जिस दिन आप एक्वायर कर रहे थे, कितना 80% शेयर इन द सब्सिडरी, यानी रेशियो ऑफ शेयर हो गया 80 और 20, 4:1. जिस दिन आप शेयर आप ले रहे थे, डेट नहीं दिया बट कोई भी दिन, जिस दिन भी हो उस दिन जनरल रिजर्व अंडरलाइन करो एंड सरप्लस अंडरलाइन करो. जनरल रिजर्व सरप्लस का मतलब प्रॉफिट कितना कितना था, 50,000 और 30,000, तो ये प्री हो गया. और फिर डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, पोस्ट होगा. अब यहां देखो शेयर होल्डर फंड आपको शेयर कैपिटल दिखा रहा है. शेयर कैपिटल हमको बी लिमिटेड का मतलब है, आपने 80% लिया है तो 2,00,000 का 80% 1,60,000 होना चाहिए. बट उसके लिए आपने कितना रुपया लगाया है तो देखिए यहां पर इन्वेस्टमेंट में देखिएगा, हमेशा इस चीज को पहले से हिसाब लगा लीजिएगा. ए लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट में देखिए 3,20,000 आपने दिया, बट कि आपको देना चाहिए था कितना, 1,60,000, यानी आपने एकदम पूरा डबल दिया. तो ठीक है, बाद में हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे 3 नंबर में तब पता चलेगा. और फिर रिजर्व एंड सरप्लस 2,10,000 है, बट ये 2,10,000 नीचे में आपको नोट्स टू अकाउंट के जरिए दिखाया है कि ये 2,10,000 में जनरल रिजर्व है 1,60,000. अब जरा आप बताइए कि प्री का जनरल रिजर्व आपको 50,000 रुपया दिया हुआ है और इंड में 1,60,000 रुपया है जनरल रिजर्व, तो पोस्ट कितना हुआ, मतलब 1,60,000 में से 50,000 माइनस कर दो तो 1,10,000 हो गया पोस्ट का. इसी तरह से जिस समय आप शेयर लिए थे, जिस समय एक्वायर किए थे शेयर, तो सरप्लस यानी प्रॉफिट 30,000 था, अभी कितना है, तो कितना हुआ 20,000. तो प्री भी आपको पता चल गया, पोस्ट भी पता चल गया, सब कुछ तो क्लियर, पिक्चर पूरा क्लियर हो गया. आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलना है, बनाना है, बना लो. क्या बिना कैलकुलेशन का बनेगा क्या, नहीं ना. चलो कैलकुलेशन करो, वर्किंग ए लिमिटेड बी लिमिटेड पहला क्या लिखेंगे बोलिए. कितना परसेंट लिया है बोलो, 80%. तो यहां इसके पास कितना बचा, यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, 4:1. कैपिटल प्रॉफिट प्री, जिस दिन आप शेयर लिए थे उस दिन के बारे में बात कर रहा है, कर रहा है ना. बताओ कितना कितना क्या है. जनरल रिजर्व है 50,000 और बोलो कितना, ये प्री हो गया, इसको 4:1 में बांटेंगे, बताओ कितना कितना होगा, 64 और 3. इसके बाद क्या निकालेंगे बोलिए, पोस्ट. ये देखिए यहां पर पोस्ट कैसे निकाला जाता है, तो बहुत ही आसान बात है. आप क्लोजिंग में देखो सब्सिडरी कंपनी में कि जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 1,60,000, उसमें से ये 50 माइनस किए तो 1,10,000 हो गया. अरे पोस्ट का मतलब सिंपल समझ लो कि जिस दिन शेयर खरीदे हैं उसके बाद आपने कितना रुपया कमाया, वो प्रॉफिट हुआ, कितना आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो रिजर्व हुआ. तो देखो ना, जिस समय शेयर लिए थे 50,000 है और अभी कितना है, 1,60,000 है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना आपने ट्रांसफर किया,
110,000 सरप्लस, बोलो क्लोजिंग में कितना है? 50,000। जिस समय शेयर लिए थे उस समय कितना था उसका? इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना अर्निंग किया? 20,000। ये 130,000 रुपया 4:1 में बांटेंगे, बताओ कितना कितना होगा? 104,000 और 26,000। सुन लो और समझ लो, अगर सारे शेयर अगर आप नहीं लेते हो तब माइनॉरिटी इंटरेस्ट जरूर निकलेगा, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप। यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा, एड करेंगे, हमेशा याद रखेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब आपको बी लिमिटेड यानी सब्सिडरी कंपनी को देखना पड़ेगा, जहां पर 2,00,000 रुपया दिख रहा है, आपने 80% लिया, 20% छोड़ दिया है, कितने का? 40,000 का। अब ये टोटल हम लोग जोड़ेंगे, यही मेरा होगा माइनॉरिटी, कितना आ रहा है बोलो? 82,000। तो देखो प्री भी पता चल गया, पोस्ट भी पता चल गया एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी पता चल गया। कुछ बातों को समझ लो, ये इसका सारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये जो प्री का अमाउंट है, मैं आपको घेर कर बताऊं, ये जो प्री का अमाउंट है जब आप वैल्यूएशन करते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व का, वहां पर जाएगा। एंड ये जो पोस्ट का अमाउंट है, ये जिस समय आप होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं, उस समय ये प्लस होगा। तो 1 गया, 2 गया, अब 3 होगा, क्या होगा 3 बोलिए? बस इसके बाद बैलेंस शीट। कहां आपके लिए होल्डिंग कंपनी इतना बड़ा हवा बना के रखे हुए हैं कि इतना हार्ड है? माथुर सर क्लासेस में आइए और होल्डिंग कंपनी सीख लीजिए। थ्री नंबर, कैलकुलेशन ऑफ बताओ कॉस्ट ऑफ शेयर एज पर बैलेंस शीट, कॉस्ट ऑफ शेयर्स एज पर बैलेंस शीट, आप 80% शेयर 3,20,000 रुपया में खरीदे हो। 3,20,000 रुपया क्या देख के दिए? तो नो डाउट आप रिजर्व देख के दिए होंगे, लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा वहां पर 2,00,000 रुपया है ना जी। कितना परसेंट आपने लिया? 160,000। बट हम लोग जो 160,000 ज्यादा दिए हैं, कुछ देख के दिए हैं, कैपिटल प्रॉफिट प्री 64,000, फिर भी ज्यादा पड़ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। कितना बोलो? 96,000। जब बैलेंस शीट बनाओगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल इंटेंजिबल में ये आएगा। चलो जल्दी से अब बैलेंस शीट तैयार कर लो, करो जल्दी से तैयार, फटाफट, देरी मत करो, आज बहुत सारे सवाल बनवाने हैं, बोला है ना बनाने के लिए? कौन सा बैलेंस शीट बोला है बोलिए? शेयर कैपिटल बताओ कितना है? 10,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस 2 नंबर, रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को दिखाना पड़ेगा कितना आएगा, नहीं 2 नंबर रिजर्व एंड देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट में साथ साथ दिखाते जा रहा हूं आप लोगों को,
होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस को देखो, ऐसे करके लिखना नहीं, तोड़ तोड़ कर लिख दो ना, 4 लाख और सरप्लस 2 लाख, नीचे दिया है ना 6 लाख कैसे हुआ, अरे 6 लाख ही लिख रहे हैं। बट हमेशा याद रखेंगे जहां पर भी कैपिटल प्रॉफिट प्री होगा तो प्री का कैलकुलेशन कहां पर जाता है, जब आप गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते हो। यहां पर कैपिटल प्रॉफिट अगर पोस्ट में कुछ है तो आएगा, पोस्ट में है, कितना है पोस्ट में होल्डिंग कंपनी का बताओ ना, 1,04,000, तो बोलो 1,04,000, तो 7,04,000 हो गया। कुछ लोग इसको कैसे करते हैं वो भी समझ लो, समझिए यहां पर एक बार समझ लो, ये जो कैपिटल प्रॉफिट 1,04,000 आपने यहां पर लिखा है, ये एक्चुअल में जो सब्सिडरी कंपनी है उसका रिजर्व और सरप्लस है। बातों को वापस से सुन लो, ये जो जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का 4 लाख है, कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोगों ने क्या किया, जनरल रिजर्व ये दिखाइए एक बार, पोस्ट का कैलकुलेशन दिखाइए, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं और जो बातों को समझा रहा हूं बढ़िया से समझेंगे। हम लोगों ने ये जो पोस्ट का कैलकुलेशन किया कि जनरल रिजर्व 1,10,000 आया, ये 1,10,000 और सरप्लस 20,000 एक साथ हम लोगों ने दोनों में बांट दिया। कुछ लोग कैसे करते हैं सो सुनिए, ये जनरल रिजर्व को पहले 4:1 में बांटते हैं, समझेंगे, 4:1 में बांटते हैं, तो जो जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का हुआ वो इस जीआर के साथ जोड़ देते हैं, सरप्लस जो 20,000 है इसको भी 80 और 20 यानी यहां पर 4:1 लिखिए, 4:1 में बांट देंगे, और जो यहां पर जो आएगा सरप्लस उसको सरप्लस के साथ जोड़ देंगे। अरे अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट जनरल रिजर्व और सरप्लस में आप जोड़ रहे हो, और हमने दोनों को यहां पर एक साथ लिख के यहां पर कैपिटल प्रॉफिट कर दिया। ओके कोई प्रॉब्लम, चलो ये बात बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो क्या होगा, आप तो यहां पर समझ जाएंगे, समझा देंगे, लेकिन क्लास ऑनगोइंग क्लास है, बहुत सारे व्यूअर हैं वो ये बोलते हैं कि सर ये तो अलग अलग करना चाहिए था, आप अलग भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, वहां तो अलग लिखे ही हैं, अरे दो मरते बांटना होगा, क्या हर्ज है, वहां बांट के इसके साथ जनरल रिजर्व के साथ जनरल रिजर्व, सरप्लस के साथ सरप्लस लिख दो, आइदर आप कैपिटल प्रॉफिट भी प्री का वहां पोस्ट का यहां लिख सकते हो। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस गया, इसके बाद क्या लिखेंगे जी, नहीं है छोड़ो, करंट लायबिलिटी डायरेक्ट लिखो क्योंकि जगह नहीं है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है, बताओ होल्डिंग का कितना है, ये मैं यहीं पर लिखकर आपको बता दे रहा हूं, 3,90,000, हमेशा याद रखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहां जरूर आएगा, कितना आया था 82,000, तो 82,000 लिख दो, कितना गया टोटल 20, अभी अपने को पूरा हो गया क्या, नहीं हुआ, अभी क्या करना पड़ेगा, एसेट साइड, चलो एसेट साइड बनाओ, अब यहां पर टेंजिबल और इनटेंजिबल का बात आएगा, चलो लिखो कितना है बोलिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल आ गया, अभी कैसे आया, ओ गुडविल, तो जरा देखिए कितना है टेंजिबल में, पहले टेंजिबल में देखिए 15,80,000 प्लस 5 लाख, बट ये 3 नंबर मैंने लिखा, दिखाना पड़ेगा 20,80,000, इनटेंजिबल में देखो गुडविल आ गया था जब आप शेयर परचेज कर रहे थे तो कितना आया था 96,000 आया है, और अब करंट
एसेट्स कर दो, करंट एसेट्स में कुछ भी नहीं है तो क्या नहीं है तो कोई हर्ज का बात नहीं, लिखना तो पड़ेगा, एक हेड है। और इस तरह से हम लोग का टोटल हो गया कितना आया 21। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑफलाइन में जो आप यहां पढ़ रहे हैं उसको भी एंड ऑनलाइन जो मेरे व्यूअर हैं जो माथुर सर क्लासेस को इतना लाइक कर रहे हैं उनके लिए भी देखो, एक दो और तीन जो मैंने लिखा है जनरली इसको हमको यहां पर इनलार्ज करना पड़ रहा है, समय थोड़ा लगेगा बट इनलार्ज करना जरूरी है। लेकिन जो कंपनी का फाइनल अकाउंट पढ़ के आए हैं क्या उसके लिए ये कोई बड़ा बात है? नहीं ना, बट हम लोग करेंगे क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का कंपनी का फाइनल अकाउंट सिलेबस में नहीं है, जैसे यहां पर भी कुछ लोग बैठे हैं जिसका सिलेबस में नहीं था, अभी आप यहां पर पढ़ रहे हैं, उन लोग के लिए तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि नोट्स नंबर क्या होते हैं। नोट्स नंबर के अंदर क्या होते हैं उसको आप समझ लो। नोट्स नंबर में जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत कुछ होते हैं, जनरल रिजर्व होते हैं, पीएल होते हैं। अभी देखिए अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं गुडविल का और कैपिटल रिजर्व का, मतलब रिजर्व में जितने भी रिजर्व हैं वो हम लोग यहां जोड़कर लिखते हैं, बट ये कैसे आया ये नोट में हम लोग दिखाते हैं इसलिए वो नोट नंबर कहलाते हैं। फिक्स एसेट्स जैसे मैंने यहां पर जोड़ दिया, बट आप एक बात बताओ तो यहां फिक्स एसेट्स बोल के दिया, दे दिया, इसीलिए अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर ऐसे करके अगर देता तो हम लोग यहां पर नोट्स नंबर का ही मतलब हुआ कि हम लोग फिक्स एसेट्स को जोड़कर एक जगह लिख देना है। ओके, मतलब यहां पर दिखाना नहीं है, नोट में दिखाना है, यहां पर लिखना है। तो इसको जो मैंने यहां पर लिखा है जनरली आप नीचे दिखा देना, मैं यहां पर जोड़कर दिखा दिया हूं। ओके,